I have started recording the lecture. अच्छा, let's try to break it down. हम इसे थोड़ा simplify करके समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम इन basics चीजों को समझते हैं, इन चीजों की definitions को समझते हैं, फिर हम इस activity की तरफ आएंगे. पहले हम बात करते हैं sale किसे कहते हैं. नासिर, आप kindly बता सकते हो सेल किसे कहते हैं? सर, सेल हम उस चीज को कहते हैं जिससे हम वो किसी चीज को ना भेजे, उसको हम सिंपलीफाई किया जाए तो जब भी आप किसी चीज को बेचते हैं, किसी चीज के बिकने के अमल को सेल कहा जाता है. जी जी. चलें, अब सेल करने के लिए आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट चीजें हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे सेल का मतलब ये है कि आपने कोई चीज बेची है, आगे वाले ने कोई चीज खरीदी है. ऐसी सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. यस, परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केटिंग ऑब्जेक्ट, मार्केटिंग किसे कहते हैं, पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं. अदील भाई या आके भाई, काइंडली आप इसको बताना बताएगा मार्केटिंग किसे कहते हैं? सर, जो मार्केटिंग के आपके गोल्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए फिर छोटे छोटे जो पार्ट्स उसके किए जाते हैं उसको मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं. वो गोल हासिल करने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एज पर माय नॉलेज. वेरी गुड आंसर अदील भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड एलाबोरेशन. अच्छा, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हमारी मार्केटिंग क्या है. जी जी, आके बताओ. जो चीज आप सेल कर रहे हो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपके, आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर आप 10 यूनिट सेल करने चाहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव है कि एक महीने में, तो जो आप प्रोसेस उनको कंप्लीट करने के लिए जो आप मेहनत करते हैं और उसकी स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं, ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कहलाता है. गुड, वेरी गुड. अच्छा, इसी चीज को एलाबोरेट मजीद कहते हैं. अब मिसाल के तौर पे मैंने अब 10 मोबाइल बेचने हैं. अब 10 मोबाइल बेचने के लिए मैंने वेबसाइट बनाई. वेबसाइट पे जाके मैंने कहा कि एड रन की. एड रन करने के बाद लोग मेरी वेबसाइट पे आए, 100 लोग मेरी वेबसाइट पे आए, 100 लोगों में से 10 लोगों ने मेरा मोबाइल खरीद लिया. अब इसमें से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या चीज़ है जो सेल शो करती है? क्या वो ये मैं अपने मालिक को जाके कह सकता हूँ सर मैंने वेबसाइट बनाई है तो ये मुझे, मैं कामयाब हो गया हूँ, या मैं ये जाके कहूँगा कि मेरे 10 मोबाइल बिक गए हैं इसलिए मैं कामयाब हूँ इस कैंपेन के अंदर? ये बात एलाबोरेट कर सकते हैं कोई? सर आप थोड़ा रिपीट कर ले सर. जी जी, मैं रिपीट करता हूँ ना सर भाई. अभी हम डिस्कस बेसिकली करने चाह रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को. ऐसी ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं जब आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं मैट्रिक्स के. मैट्रिक्स में ये भी होता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कितनी देर के लिए देखा है, ऐड टू कार्ट किया कि नहीं किया, डिफरेंट चीजें होती हैं. बट इन तमाम मैट्रिक्स में से वो मैट्रिक जो कि आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ आपको बताएंगे, ये आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने में इस वाले मैट्रिक ने मेन किरदार अदा किया है, तो वो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है. अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं. मिसाल के तौर पे हमने कहा है कि भैया मुझे महीने के अंदर मैं 30 सेलें पूरी कर सकता हूँ, तो इसके लिए क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा? तो इसका इंडिकेटर होगा कि अगर मैं 3 महीने में 30 सेलें पूरी कर रहा हूँ ना, तो 1 महीने में मैं 10 सेलें पूरी करूंगा तो मैं इस जगह तक पहुंच सकता हूँ. बिल्कुल सर. जी सर, जी सर. और उसके लिए 10 कोल्ड कॉल करेंगे तो 1 सेल होगी. Exactly. तो KPI जो है वो 10 कोल्ड कॉलिंग है सर, तो उसके बाद एक सेल निकलेगी. KPI इसमें कोल्ड कॉलिंग होगा सर. यप. तो बेसिकली इन सब चीजों को डिवाइड करने का जो मेथड है ना, उसके पर भी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है. अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, आप काइंडली पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू दिस एक्टिविटी. डज एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? नासिर भाई, आपको समझ में आ गई कोई क्वेश्चन है आपको? जी जी, बिल्कुल समझ में आ गई. वेरी गुड. फारूक भाई, चलें, होपफुली सबको समझ में आ गई है. आप सब लोगों के पास 10 मिनट हैं, 4:45 हुए हैं. विद इन 10 मिनट्स आई एम होपिंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम यू ऑल इन माय डीएम. आप डायरेक्ट मैसेज मुझे अपना रिप्लाई कर दें.
इस एक्टिविटी के लिहाज से, ठीक है। जर्मनी की दिखा ترجع هذا غير لا كذا دار انا باي ريجي لما جدا هذا غير شو شيء لما جدا مثلا دار مار مثل اللي بدك تشرب شو شيء اللي بتقول لي ايه ده كل كلام ده فرمان डॉक्टर
अस्सलाम एवरीवन, आप सबने काफ़ी अच्छी सबमिशंस की हैं, स्पेशली अदील भाई, बहजाद भाई और एक और थे हजरत जिनका नाम भूल गया, देखना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने ये जो चीज़ें डिस्कस की इन चीज़ों को आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। काइंडली अगर आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ है तो काइंडली फ़ोन भेज दें, अदरवाइज हम फिर आगे से कंटिन्यू कर लेते हैं। किसी को फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस। स्लैक पे मैसेज करना है आपको ना सर? जी आकिब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपको स्लैक पे डायरेक्ट मैसेज करना है ना सर? नहीं नहीं, यही कर देते हैं आंसर के पे। अच्छा, मैंने स्लैक पे की। जिंदाबाद, चलो मैं उधर देख लेता हूँ। चल गुड हो गया आके भाई। आपके भाई ने भी भेज दिया, दिल भाई ने भेज दिया, बशाद भाई ने नहीं आई थिंक कुछ भेजा, सलमान भाई ने सिर्फ नेम भेजा था, सलमान भाई ने भी कुछ भेज दिया, फरूक भाई ने भेजा, मिस मदीहा आपने नहीं कुछ भेजा, मौसम भाई ने भेज दिया, नासिर भाई ने भेज दिया। अच्छा गाइस, मेरी स्क्रीन आपसे लोगों को शेयर हो रही है? जी जी शेयर हो रही है। चलो वेरी गुड। अभी हमने बेसिकली एक प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया है देखने के लिए हमारी अभी करंट अंडरस्टैंडिंग इस कोर्स की क्या है और हमें किस प्रैक्टिस स्पीड के साथ चलना पड़ेगा आगे ताकि हम इस कोर्स को समझ सकें। मैं आप सब लोगों को पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि कोर्स जो है बहुत ईजी है और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप लोग सारे सेशंस लेते हैं और अगर टाइम देते हैं इस कोर्स को तो आप ईजिली पास आउट कर लेंगे इस कोर्स को। बट द मेन थिंग इज किसको टाइम देना पड़ेगा। चलें विद दैट हैप्पी नोट, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जो चीज़ें आगे करनी है, और हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में भी ये चीज़ें कुछ इनमें से शेयर हो जाएंगे तो हम उन चीज़ों को गो थ्रू करते हैं। अस्यूम करते हैं कि हमारी एक रियल स्टेट ब्रोकरेज की कंपनी है पाकिस्तान के अंदर और हम लोगों को कंसल्ट करते हैं कि कौन सा घर ठीक है, कौन सी इन्वेस्टमेंट ठीक है, और हमारी कंपनी का नाम है मिसाल के तौर पर जैप लेसर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। तो इसके हिसाब से हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारी केपीआई क्या होगी, इस चीज़ को देखते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, हमारे टारगेट होगा सेल्स का। अब हमारा टारगेट है मिसाल के तौर पर हमने 15 सेल्स पूरी करनी है, तो इस 15 सेल्स को पूरी करने के लिए हम क्या चीज़ें करेंगे कि हम वो उस चीज़ को पूरा कर सकें। अब इसको समझते हैं, अगर हमने 15 डीलें पूरी करनी है रियल एस्टेट के लिए कि हमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिले एक सर्टेन अमाउंट से सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, तो हम उस स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें एक सर्टेन क्या है कि हम जिससे अपनी कामयाबी को मेजर कर सकते हैं। मेरी आवाज आप सबको साथ आ रही है? जी 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 सर। चलिए वेरी गुड टू नो। अच्छा, तो हमारा जो प्राइमरी केपीआई होगा वो नंबर ऑफ सेल्स होगा। हमारी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं अगर वो एक सर्टेन अमाउंट थ्रेशोल्ड को रीच कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हमने जितनी भी एफर्ट किया है वो कामयाब हो रही है। अगर हम वो थ्रेशोल्ड तो बाकी चीजें नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग में भी यही होता है, जब क्लाइंट आपके पास आता है तो कहता है हम ये सेलें कितनी ला के दोगे, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप एड रन कर रहे हो, आपने पोस्ट कितनी अच्छी बनाई है, आपने उसके पीछे वीडियो ग्राफिक्स एड कैंपेन मैनेजमेंट जो मर्जी किया हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस ये पता है कि मैंने आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, उसके मुझे बदले में वाई अमाउंट ऑफ सेल्स चाहिए होगी। होपफुली दिस मेक सेंस टू ऑल। Yes sir. Good. Okay. Moving forward, हमें KPI समझ में आ गया, key performance indicator. वो measure, वो metric जिसे हम देखते हैं अपनी key performance को judge करने के लिए, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हम successful हैं या हम successful नहीं हैं। इसके लिहाज से फिर हम value proposition एक create करते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन में बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम आंसर करते हैं समझने के लिए कि हम चीज़ बेच क्या रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। ये क्वेश्चन होते हैं। काइंडली आप लोगों से मैं आपके साथ ये स्क्रीन क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, आप लोग से खुद एक बार देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था फॉर हु आवर दैट अनलाइक आवर ऑफर।
फोर, पहली बात कि आपका परफेक्ट टारगेट कस्टमर कौन है, कौन बंदा है जिसे आप ये चीज बेचने के लिए ख्वाहिशमंद हो, हु, ये किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होगा वो बंदा तो खरीदेगा, हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा सबसे क्लोजेस्ट कंपटीटर कौन है, और हमारी ऑफरिंग क्या है जो दूसरों से डिफरेंशिएट करती है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। फोर, हम जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं वो उन पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी इनकम रखते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो अच्छी इनकम बहुत कम लोगों की होगी, तो हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अच्छी इनकम रखते हैं। वो कौन लोग हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, किसके अंदर, एक रियल स्टेट कंसल्टेशन सर्विस के लिहाज से, हम क्या करेंगे, फ्री देंगे, क्या नहीं करेंगे, उनकी जानी करेंगे, कोल्डवेल बैंकर्स जो कि हमारे कंपेटिटर हैं, जिस तरह के आपका कंपेटिटर हो सकता है एक्स वाई सी एजेंसी या कुछ भी, हमारी ऑफर क्या है, हम रियल स्टेट मार्केट एनालिसिस दे रहे हैं और इसे ही दे रहे हैं ताकि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? नो सर, ये समझ आ गई। दैट्स वेरी गुड टू नो। अच्छा, मुझे मिस मदीहा और बशायद भाई, आप लोगों ने काफी देर से कोई बात नहीं की है। मिस मदीहा, आप अभी करेंटली बताएंगे कि अभी तक लास्ट जो वैल्यू प्रोपोजिशन बात की है हमने, मिस मदीहा करेंटली ऑनलाइन आ सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस मदीहा। मिस मदीहा, हमने अभी वैल्यू प्रोपोजिशन की बात की है, अब एक हो हम ब्रांड की बात करते हैं, हमने उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करनी है। मैं नया स्क्रीनशॉट उसे ओपन कर दूं ताकि आप लोग वहां से आईडिया लगा सकें। अब मिसाल के तौर पे आप मोबाइल बेचते हैं, ज्यादा हो जाएगा बल्कि अस्यूम कि आप एक स्कूल हैं, आप एक स्कूल चला रही हैं, तो स्कूल के लिहाज से आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगी? सर, पहले तो हम ये चूज करेंगे कि हम कौन से एरिया में ओपन करेंगे, वहां पर किस लेवल वाले फैमिलीज के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम फोर आ जाएगा, और उनके लिए कौन वहाँ पर बच्चों की एनरोलमेंट कराएंगे वो हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद क्या है सर, ये आवर्स में फैकल्टी आ जाएगी जी, और उसके बाद स्कूल के बच्चों की फी कितनी होगी और बाकी सर्विसेज वगैरह, मोंटेसरी है या उस तक है, मैट्रिक तक है या मिडिल तक है? गुड हो गया। और आपकी ऑफर क्या है? सॉरी, आपकी ऑफर क्या है? आप दूसरे स्कूलों से डिफरेंट कैसे होंगे? सर, हम साइंस नहीं पढ़ाएंगे सर। दैट्स गुड टू नो। थैंक यू मिस मदीहा। मिस्टर बशार, आप काइंडली क्लास में हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बशार भाई। बशार भाई, अस्यूम करें कि आप जो हैं एक स्कूल चला रहे हैं, अब स्कूल चलाने के अंदर आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? स्कूल चलाने के अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये होगा सर कि पर मंथ दाखिले कितने हो रहे हैं, एडमिशन्स कितनी हो रही है, या साल में जो एडमिशन्स का जो मतलब वो होता है, एक पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल जनवरी हो गया या कोई और पीरियड होगा, उसमें एडमिशन्स कितने हो रहे हैं हमारे, तो वो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा। गुड आंसर। फरमानुल्लाह भाई, कैंटी के ऑन आएंगे आप सर? जी सर, ऑनलाइन। अस्यूमिंग कि आप भी उसी स्कूल के अंदर हैं, तो आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सर, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव यही होंगे सर के एडमिशंस, मतलब ज्यादा एडमिशन करने हैं, और जितने भी इलाके के स्टूडेंट्स हैं तो अपने सेल्स को, अपने एडमिशन को मैक्सिमाइज करना ताकि हमारे पास स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होंगे। वेरी गुड आंसर।
क्या यहाँ पे अजान हो रही है, एक दो मिनट की ब्रेक लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं बात नहीं कर था, जान हो गई थी इसलिए ना। ओके ओके सर, मैंने कर्सर को देखा कि वो थोड़ा सा हिल रहा था तो मैंने सोचा चलें, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक आगे कंटिन्यू करते हैं, हम कस्टमर कैटेगरीज के बारे डिस्कस करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आया था मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। आप इसके बारे में परेशान आ लीजिएगा अर्शाद भाई, अभी हम इस चीज के बारे में वापस आते हैं। हमने ना बेसिकली इन तमाम जो हम चीजें पढ़ रहे हैं इन्हें इतनी दफा ड्रिल डाउन करना है, इतनी दफा एक ही बात को रिपीट करना है कि आप लोग सोते हुए भी कोई आपसे पूछेगा ना इनमें से कोई क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। अभी हमने बेसिकली इस मटेरियल को इतनी दफा ड्रिल डाउन कर लेना है इन द कमिंग डेज कि ये आपके दिमाग में इनके आंसर पहले से बैठे होंगे, कोई पूछेगा तो फोन से फटाफट आपको आंसर पता होगा क्योंकि वो आपके दिमाग में ड्रिल डाउन हो गया होगा। जितना हिफ्ज होते हैं ना हम इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का हिफ्ज करेंगे, बट इस प्रेजेंटेशन को एक बार कम्प्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम इन तमाम क्वेश्चन को दोबारा से कैटर करते हैं। ठीक है बशाद भाई, इंशाल्लाह। अच्छा कस्टमर कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। कस्टमर कैटेगरीज बेसिकली वो कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर हमने कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं कि ए बी एंड सी, दीज आर द पीपल दैट आर गोइंग टू बाय आवर प्रोडक्ट्स। एग्जांपल आप जब मोबाइल बेचते हैं तो मोबाइल खरीदने वाला वो प्रोफेशनल भी हो सकता है जो जॉब कर रहा हो, वो एक पेरेंट भी हो सकता है, वो एक चाइल्ड भी हो सकता है। आप घर बेचने की बात करते हैं तो वो लोग भी हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो अपने घर के लिए ले रहे हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो घर के लिए भी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं। तो हम इन कस्टमर कैटेगरीज में अपने कस्टमर को बांट देती हैं ताकि हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें और उन तक सही तरीके से पहुँच सकें। ये बात सब भाइयों को समझ में आ गई, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? जी सर, जी सर, यस सर, परफेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, एम्पैथी का वर्ड एक है एम्पैथी, ई एम पी ए टी एच वाई, इसका मतलब मुझे कोई बताएगा सिर्फ एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का सर किसी, जी बिशाद देते हैं, एम्पैथी का सर मतलब ये होता है कि एक बंदा अगर वो किसी और इंसान का जो वो फीलिंग्स होते हैं उसको समझ सके बुनियादी तौर पर, तो इसका यही मतलब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही बताया। एम्पैथी बेसिकली यही है कि किसी के फुटस्टेप्स के अंदर खड़े होकर समझो कि वो क्या फील कर रहा है, किस मरहल से गुजर रहा है और आप उससे कैसे फायदा उठा सकते हो, उस चीज को हम एम्पैथी मैप कहते हैं। अब इन्हीं चीजों को गो थ्रू कहते हैं हम सर। उम्मीद है मेरी स्क्रीन शो आपको दिखाई दे रही होगी, एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन राइट? या सर, या एग्जैक्टली, बेसिकली पुटिंग आवरसेल्व्स इन अदर शूज इज एम्पैथी। अब इसके लिहाज से हम एक पाकिस्तानी की बात करते हैं, आई थिंक नासिर भाई आप बाहर सऊदीया में रह रहे हैं, कौन से शहर में होते हैं आप आजकल? रियाज में हूँ सर।
अच्छा आप भी याद में हैं? मैं भी याद में, बट मैं वापस जाने लगा हूँ। पहले पता था आप लास्ट क्लास में, तो मुलाकात ही कर लेता मैं आपसे। जरूर कर लेते सर, जरूर। मैं आज की फ्लाइट है मजाक के अलावा, वरना आज आपसे मैं मिलके जाता। बिल्कुल, मैं भी आपसे मुलाकात करता सर, लेकिन इंशाल्लाह अगर फिर जिंदगी हुई तो मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे चक्कर लगते रहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो आपसे जरूर मुलाकात करके जाऊंगा। आप वैसे इधर किस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं? मैं एज अ सिविल इंजीनियर यहां पर एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं सर। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छा वापस पॉइंट पे आते हुए, एम्पैथी मैप, आप सब लोगों ने अपने आप को खान साहब के शूज में डाल के सोचना है कि वो क्या सोचते होंगे, क्या देखते होंगे, क्या कहते होंगे, क्या महसूस करते होंगे। ठीक हो गया? नासिब भाई यस सर, क्या आप यही सोचते हैं? सॉरी सर, कि me being away from my family is a high price, so it needs to be worth it. बिल्कुल सर। अदील भाई जी सर, आपने भी पाकिस्तान से बाहर टाइम गुजारा हुआ है, जब आप पाकिस्तान से बाहर थे तो क्या आपकी भी सोच होती थी कि मैं बस अभी मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, तो इसके मुझे उतना ही मुआवजा या उतना ही फायदा होना चाहिए? ऐसे ही सोचते हैं सर। ये कॉमन थॉट है जी सर, कॉमन थॉट। ये कॉमन थॉट आप अस्यूम कर सकते हैं कि हर उस पाकिस्तानी या उस बंदे के दिमाग में होगी जो पाकिस्तान से बाहर चला गया, वो चाहता है कि मैं बाहर जाके अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ, मैं जो पैसे कमा रहा हूँ सही जगह पे लगे ताकि मैं उनका एट द एंड ऑफ द डे फायदा ले सकूँ। ऐसे सर? जी सर, ऐसे ही। गुड हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, इन सब पॉइंट्स को वन बाई वन गो थ्रू करते हैं। Me being away from my family is a high price, so it needs to be worth it. They are ending many employments now. I have got a plan B in Pakistan. Nasir bhai, आपको तो इस बात का भी आइडिया होगा कि अभी कुछ ऐसा पहले एक स्केल हुआ था कि सऊदी से तमाम खाजी वो निकालने लगे हैं, तमाम employments खत्म होने वाले हैं, याद है आपको ये टाइम आया था एक? सर बेसिकली मेरा तकरीबन यहाँ आए हुए अभी एक महीना हो गया है सर। अच्छा अच्छा, सॉरी, कुछ ऐसा पहले आया था तकरीबन 6 से 8 महीने पहले, तो ये हुआ यूं था कि इन्होंने काफी चीजें सख्त की थी, तो सुनने में आया था कि खाजियों का निकालने लगे हैं, जॉब्स खत्म होने वाली हैं, तो इस तरह जब आप सुनते हैं ना तो आपके दिमाग में आती है कोई, जब मैं बाहर काम कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में कोई प्लान भी होना चाहिए ताकि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ तो ये ना हो कि मेरे सारे पैसे जाया हो गए, मेरे पास कोई ऑप्शन हो ताकि मैं दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकूँ। आगे होता है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ एक राइट इन्वेस्टमेंट के साथ, बट मैं किस पे ट्रस्ट करूँ या कौन सा बंदा जो ट्रस्ट के काबिल है? रियल स्टेट एक अच्छा स्टेबल ऑप्शन है पाकिस्तान में, कई सालों से रहा है और इसलिए, बट अब मसला ये है कि मैं, मुझे रियल स्टेट का पता नहीं है इतना, मुझे पता नहीं है कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह अप्रिशिएट करेगी, कौन सी जगह डिप्रिशिएट करेगी, किस जगह पे प्लाट लेना फायदेमंद है, किस जगह पे लेके नुकसान होगा। अब ये सही बातें मैं सोच रहा हूँ एज पाकिस्तानी लिविंग इन अब्रॉड, बट मैं कह के आ रहा हूँ इन सब चीजों को गो थ्रू करते हैं। ये थिंकिंग वाली स्टेज है, इसमें किसी भाई को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना काइंडली? क्लियर है सर, बिल्कुल सर। आई मेरे रिक्वेस्ट जी, मिस में दिखाओ सर, मुझे कंफर्म नहीं लेकिन जिसके बैकग्राउंड में शोर है काइंडली आप माइक म्यूट कर ले क्योंकि डिस्टॉर्शन से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है ना, मैं कुछ सुन पा रही हूं। आई एम सॉरी टू हियर दैट। ओके सॉरी सॉरी, मेरी तरफ से आ रही है मेरे ख्याल तो मैं भी अगर अब जब बात करूं फिर आप अनम्यूट किया करें, वैसे समझ नहीं आती कि सर क्या बोल रहे हैं। अपने आप को दूसरों के शूज में डालना, कि हम अपने आप को दूसरों के शूज में डाल के कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं एट दैट टाइम और उनकी सोच क्या है, और इन सब चीजों को जज करते हुए हम आगे ये सोच रहे हैं कि हम उन्हें चीज कैसे अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। अब इन चीजों को देखते हुए हमने भी थिंकिंग वाले मेथड को रिपीट किया था
कि एज अ फॉरनर एज अ पाकिस्तानी लिविंग इन अब्रॉड हम ये चीजें सोच रहे हैं, ठीक है। अभी हमने डूइंग की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सऊदीया में रह रहे हैं, 10 घंटे जॉब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मूवीज ड्रामे वगैरह देख रहे हैं, ये हमारे काम है रोजाना के। नासिर भाई ऐसे ही है? बिल्कुल सर, बस स्क्रोलिंग ही करते जा रहे हैं सारे लोग सर। चले गुड हो गया। अच्छा अब आगे मूविंग फॉरवर्ड सीइंग हम देखते क्या, हमें जब हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें पाकिस्तान की रियल स्टेट की एड्स शो हो रही होती हैं, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी वाली एड्स हमारे लिए अच्छी है, कौन सी वाली एड्स हमारे लिए बुरी हैं। पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट हमें ये नहीं पता कि अच्छी वाली कौन सी अपॉर्चुनिटी है, बुरी वाली कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें डिटर्मिन करना कि कौन सी वाली अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करें, उसके लिए कोई सर्विस चाहिए। नासिर भाई आपका माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली से ऑफ कर दें। ओके सर। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, अब ये इन सब चीजों को देखते हुए फिर फील क्या कर रहे हैं हम, अपनी फैमिली और फ्रेंड से अलहदा फील कर रहे हैं, हमें अपने फ्यूचर के बारे में डर है, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में डर है, हम बोर हो रहे हैं या हम कंफ्यूज हैं कि हम इधर रुके हैं या वापस जाएं, इधर अपनी जॉब को कंटिन्यू करें या जॉब को खत्म करें वापस जाएं। अब इन सब चीज़ों को मैप आउट करना जो है ना, ये एम्पथी मैप कहलाता है। अब इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करें, एम्पथी मैप की हम सब दोस्तों को समझ में आ गई है, काइंडली अपनी राय बताएं। जी सर। यस सर। यस सर, क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट। किसी को कोई क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें। परफेक्ट। अब आगे चलते हैं, सैंपल पर्सोना, इसे यूजर पर्सोना, टारगेट पर्सोना भी कहा जाता है। ये आप इस तरह समझ लें कि एक इमेजिनरी आप एक क्रिएशन करते हो, नासिर भाई की फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, नासिर भाई को हम इमेजिन करते हैं कि नासिर भाई जो हैं वो किन किन महल से गुजरते हैं, हम उन्हें कैसे अस्यूम कर सकते हैं। अब ये वैसे मैं आपकी सोच से तो बाहर हूं सर। नहीं अभी अपने टारगेट पर चलो, फिर भी कोशिश कर लो सर। चलो कोशिश कर लो। चलें, दैट्स गुड टू नो। अच्छा तो एक टारगेट पर सोना के लिए ऐसे समझते हैं, नासिर भाई का बैकग्राउंड डेमोग्राफिक्स क्या है, वो मिसाल के तौर पे उनकी शादी हो गई है, उनका एक बच्चा है, वो एज अ सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, और उनकी मंथली जो सेविंग है वो तकरीबन $2500 है, और उनकी उम्र इतनी है। वो उनकी नीड चाहते क्या है, वो सेफ फील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें महसूस हो सके, उन्हें प्यार हो रहा है, वो उस जगह पे बिलोंग करते हैं, वो अचीवमेंट फील करना चाहते हैं। उनकी हॉबीज क्या हैं, उन्हें पढ़ना पसंद है, उन्हें ड्रामे देखना पसंद है, उन्हें सोशल मीडिया पर टाइम गुजारना पसंद है। उनके गोल्स क्या हैं, वो चाहते हैं उन्हें एक सेफ फ्यूचर मिले उन्हें उनकी फैमिली को, वो चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान में एक अच्छी इनकम मिले, वो चाहते हैं उन्हें पैसे के वरी करने की जरूरत ना पड़े, वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें एज एन इंजीनियर वर्किंग अब्रॉड। बैरियर्स मसले क्या आ रहे हैं, अब उन्हें मसला आ रहा है फासला बहुत ज़्यादा है, इंटरवल बहुत ज़्यादा है टाइम पाकिस्तान के अंदर, और डिसीजन मेकिंग बहुत है। ये तीनों वजूहत की वजह से वो भी कोई प्लाट या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह हमने एक सैंपल पर्सोना या टारगेट पर्सोना क्रिएट किया है। इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करें, टारगेट पर्सोना की सबको समझ में आ गई है सर? ये बैरियर को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे सर? जी डेफिनेटली डेफिनेटली। कोई और बैरियर के अलावा किसी और कोई और क्वेश्चन है? चलें बैरियर को डिस्कस करते हैं। अब एज अ कंपनी ऑफ रियल स्टेट, हमारी रियल स्टेट की कंपनी है, अब नासिर भाई हमारी रियल स्टेट की कंपनी से चीजें क्यों नहीं खरीद रहे हैं, या फिर वो किसी भी रियल स्टेट की कंपनी से चीज क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, क्या वजूहत आ रही हैं जिसकी वजह से वो अभी चीज लेने में उन्हें इशू आ रहा है? ये कुछ वजूहत लिखी हुई हैं। पहली बार डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उस कंपनी पर यकीन नहीं होता, मिसाल के तौर पर मैंने प्लाट लेना है बहरिया के अंदर, किस बंदे से डिस्कस कर रहा हूँ, वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, मेरी उससे मुलाकात हुई नहीं, क्या पता मैं उसे पैसे दूँ पैसे लेके भाग जाए। अब ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं,
डिस्टेंस अगर ना होता मैं उसे देख सकता, उसे मैं बातचीत कर सकता, उसे खुद हैंड टू हैंड डील कर सकता, तो शायद ये मसले ना आते। तो एक बैरियर ये है डिस्टेंस का। एक डिसीजन मेकिंग में मसला लंबा हो रहा है कि मुझे डिसीजन लेने में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं उधर पाकिस्तान में मौजूद होता या उस शहर में मौजूद होता तो मेरे लिए डिसीजन लेना आसान होता, क्योंकि मैं उसे खुद उस जगह को जाके देख सकता था। अब चूंकि मैं खुद जाके देख नहीं सकता तो मुझे कोई थर्ड पार्टी चाहिए जो कि मुझे डिसीजन लेने में आसानी करे, जो जाके मेरी वजह से देखिए, जाके जज करे उस जगह को कि क्या ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए सही है कि नहीं है। तो तमाम बैरियर्स, वो तमाम चीज़ें जो कि मैं डिसीजन लेने में रोकती हैं या प्रोसेस को लंबा करती हैं, मुश्किल जो हैं वो बैरियर कहलाती हैं। आके भाई, इससे आपके क्वेश्चन आंसर हुआ? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर, थैंक यू। यू वेलकम ब्रदर। एनी अदर क्वेश्चन बड़ी? नहीं सर। परफेक्ट परफेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ आपको गिफ्ट दे दूं। ये कुछ जगह जहाँ से आप तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हैं फ्री के अंदर। ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस प्रेजेंटेशन को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जब आप लोग फारिग होंगे। अच्छा, अब आखिरी जो हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं, इसमें हम फाइनल प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने करना है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। आप सब लोगों को पता है आपकी फाइनल प्रोजेक्ट की टाइम क्या है, किस टाइम तक आपने प्रोजेक्ट देना है? 11:10 तक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक मिनट। और आप में से कितने लोग हैं जो सबमिशन के लिए रेडी हैं या जिन्हें अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मसले आ रहे हैं? सर मैं तो प्रोजेक्ट पे हूँ, तो अभी सुबह से करना शुरू करूंगा प्रोजेक्ट को, देखते हैं क्या। चलें, ओके। एक सेकंड दे मुझे। ये मैं लिंक शेयर किया है, काइंडली आप सब लोग इसकी कॉपी बना के इसे यूज कर लीजिएगा। अच्छा, अब जरा इसको बंद करते हैं और आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट की तरफ डिस्कस करते हैं। अच्छा आदिल भाई, आप अभी प्रोजेक्ट पे पहुंच गए हैं और मिस मदीहा भी अभी फाइनल प्रोजेक्ट पे पहुंच गई हैं। इससे पहले हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करें, हमारे पास तकरीबन 7 मिनट हैं। हम जब बाकी दोस्तों से पूछ लेते हैं वो कहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। आकिब भाई, आप अभी कहाँ पे कंटेंट में पहुंचे हुए हैं, इशू क्या आ रहे हैं अभी आप तक, आप कंटेंट के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई ऐसी पिछली बात जो आपको समझ में आए तो पूछ लें अभी। नहीं सर, इस क्लास की तो बातें सारी समझ आ रही हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे हूँ सर, ये मेरा बहुत बिजी वीक रहा है, तो कल से इंशाल्लाह 2-3 लगा के प्रोजेक्ट तक पहुंच जाऊंगा सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। चलें, दैट्स वेरी गुड टू नो। बशार भाई, आप अपने बारे में बताएं। सर मैं तो अभी लेसंस में हूँ, मेरा भी यही मसला है कि वीक थोड़ा बिजी था, योर कस्टमर्स जो लेसन है उसमें मैं था। ठीक है, और कोई इशू, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई मसला आया हो? फिलहाल तो मैं कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें अगर समझ ना भी आई बहुत ज़्यादा तो बस आगे जा रहा हूँ, ताकि फिर वो प्रोजेक्ट में अगर कोई मसला हुआ तो फिर वहाँ पर करूँगा। चलें, आपको मैं आइडिया दूंगा कि आप ना ये जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं वो मुझे आप प्राइवेट या ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिए, होगा ये मैं या मेरा कोई कोलीग ना आपके क्वेश्चन को उधर आंसर कर देगा। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में इशू आ रहा है तो आप उर्दू में पूछ लें, या फिर आप जैसे कन्वीनियंट है वैसे बात कर लें। मेन थिंग इज कि आप अपने मसले ना शुरू से सॉल्व करते जाएं, क्योंकि बाय द एंड अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी ना तो छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्हें गो थ्रू करना इशू ना आए आपके लिए। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा अभी से ना जो चीज़ें समझ नहीं आई आप कागज पे चाहे लिख लें, लिख के फिर जब भी हमारा सेशन होता है तब आप पूछ लें इन बातों को। ठीक है भाई? विशाल भाई, ओके। यस सर, यस सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है इस वजह से। चलें, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। नासिर भाई, आप बताएं, आप अभी एक कोई इशू आ रहा हो स्टडी के अंदर? सर मैंने तो बस अभी
अभी अभी भी स्टार्ट किया है, तकरीबन 14% मैंने कंप्लीट किया हुआ है कोर्स को। और प्रोजेक्ट से कितना पीछे हैं? प्रोजेक्ट का तो बिल्कुल, प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है सर, पता नहीं कि अब कब पहुंचूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट जो हमारे सेवल का जो प्रोजेक्ट है अभी वो शुरू होने वाला है मेट्रो का, तो अच्छा। उसमें थोड़ा बिजी हूँ ना, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता सर के। मैं समझ सकता हूँ आसिफ भाई, बट मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन 11 दिसंबर की है, जिस तरह के अभी अदील भाई ने बताया था। अगर तब तक आपने प्रोजेक्ट सबमिट ना करवाया ना, पहली सबमिशन वहां तक ना करवाई, तो आपको आई थिंक 18 दिसंबर तक की मोहलत होगी, उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल या रिवोक कर दी जाएगी। तो आपको एक मैं मशवरा दूंगा कि आप ना कोशिश करें कि अभी आने वाले दिनों में जितना टाइम निकाल सकते हैं निकाल के ना प्रोजेक्ट तक पहुंच जाए। एक दफा पहला प्रोजेक्ट जो है आप ध्यान से ना कर लें, उसके बाद फिर मसला नहीं आएगा, फिर आप टाइम बाहर दूसरी चीजों को भी दे सकते हैं, ज्यादा इजी आपके पास हो जाएगा। बट पहला प्रोजेक्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें वो आपकी कमिटमेंट देखते होते हैं कि क्या बच्चा कमिटेड है भी कि नहीं है। इसलिए छोटा सा मशवरा है कि आप इसके ऊपर गौर करें और इसे कैटर करें, ठीक है? ओके सर, ओके, मैं स्लैक के ऊपर ना अवेलेबल होता हूँ, ज्यादातर 24 घंटे होता हूँ, अनलेस अगर मैं कहीं सफर ना कर रहा हूँ तो आप। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो या प्रोजेक्ट में मसला हो, तो आप ग्रुप के अंदर पूछ लें, मैं या मेरा कोई कोलीग आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर देगा, ठीक है? ओके सर, चलें, टेक केयर। ओके फरमान भाई, अपने आप बताएं कि आप अभी स्टडी में कहाँ पे पहुंचे हैं, कोई इशू आ जाए तो। नहीं सर, मैं अभी क्लासरूम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सर प्रोजेक्ट को भी ऑन टाइम सबमिट करूंगा सर, इंशाल्लाह काम करूंगा उस पर। दैट्स गुड टू नो फरमान भाई, सेम बात है। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक खूब बात बता दूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप पीछे रह रहे हैं या आपको ज्यादा कनेक्ट सेशंस की जरूरत है ना, तो आप लोग ज्यादा सेशंस भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आप लोगों ने बस एक रिक्वेस्ट करनी होती है, मैंने या मुझे बताएंगे, मैं फिर आगे रिक्वेस्ट करूंगा और फिर आप लोगों के ज्यादा सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बट ये तब होता है अगर आपको लगता है कि आप पीछे हैं या आपको ज्यादा किसी चीज को रिपीट करने या समझने की जरूरत है, तो हम ज्यादा सेशन भी रख लेते हैं। बट द मेन थिंग इज कि आप ना पहला प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम कर लें, एंड दैट्स वेरी गुड टू नो फरमान भाई। मूविंग फॉरवर्ड फरहान भाई, आप बताएं आप स्टडी में कहां पे, कोई इशू तो नहीं आ रहा? सर तकरीबन लास्ट 15 डेज से मेरा सेल डेड हुआ था, तो मैंने न्यू सेल बाय किया है, तो जिसकी वजह से मैंने अभी जस्ट जो ना स्टार्ट किया है बस। सही हो गया। अभी आप लैपटॉप के ऊपर ये क्लास ले रहे हैं? फिलहाल सेलफोन के ऊपर। अच्छा ठीक है, आई वुड एडवाइस यू कि अगर आप किसी से लैपटॉप ले लें तो उसके पास आपको पढ़ने में आसानी होगी। लैपटॉप मेरे पास है लेकिन फिलहाल चार्जिंग का थोड़ा इशू था, तो इसकी वजह से जो ना मैं सेलफोन से। चलें, as convenient for you, again 11 December is the deadline, hopefully आप लोग उसे कैटर करेंगे, और कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो, तो स्लैक पे मुझे DM कर लें, कोई मसला नहीं है। जरूर सर। मतिया एंड साथ भाई, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। चलें, that's good to know। मिस मतिया? Yes sir। आपकी स्टडी में कोई इशू आ रहा हो, कोई इशू, आप कोई लेक्चर में फंसी हो, कोई क्वेश्चंस हो आपका? सर मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया था लेकिन उसके बाद अभी तक मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करूं, तो मुझे वो स्टार्टिंग नहीं आ रहा था। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हम आज ना एक प्रोजेक्ट जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है उसे भी गो थ्रू करते हैं, उसके अलावा दूसरी चीजों को भी देखते हैं कि हम इसे कैसे कैटर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा एक मिनट दे मुझे आप बस। सर आप ये बता सकते हैं कि क्लासेस जो है ना ये कितने ड्यूरेशन के है सर? या नेक्स्ट सेशन की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना। अच्छा ये जो, हाँ जी, कनेक्ट सेशन 2 घंटे का होता है। ओके सर। ओके बड़ी, ओके गुड हो गया। अच्छा एक मिनट, अच्छा इससे पहले हम आगे चलें, कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ सही हो गया, सही हो गया।
अच्छा यार एक बात बताओ आप सबसे क्वेश्चन है, मैं जब फेसबुक ओपन करता हूँ मुझे एड्स आती हैं, वो एड्स जो हैं वो कैसे आती हैं, कौन भेजता है, और अगर मैंने वो उन्हें एड्स को बंद करना हो तो उन्हें कैसे बंद कर सकता हूँ कि मुझे ना वो एड्स शो हो, किसी को पता है? सर मेरे ख्याल में तो ये एआई आपके चॉइसेस को डिटेक्ट करेगी, जो चीजें आप सर्च कर रहे होते हैं ना तो उसके बिहाफ पर फिर आपको सजेशंस में आते हैं, लेकिन बंद करने मुझे नहीं आता। चलें कोई मसला नहीं, गुड गुड आंसर। आगे कोई और बंदा भी मुझे अपनी राय दे, अदील भाई। सर बंद करने के लिए उसके साथ ऑप्शन होती है सब जगह पे, क्या आप कहते हैं कि ये इख्तियारात मुझे ना दिखाएं और ये फेसबुक को कैसे पता चलता है यार कि मैंने पैम्पर लेनी है, मैंने लोशन लेना है, मैंने पानी की बोतल लेनी है, उसे कैसे पता चलता है, ये बताएं मुझे। सर हम जिस चीज पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं जिन इश्तेहारात को, उससे वो लेते हैं, एआई उनका देता है। इससे जैसे मैंने अभी एक कोट बाय किया है कुछ दिन पहले, तो अभी मुझे दर्जनों किस्म के कोट्स जो हैं उनके इश्तेहार वो दिखा रहे हैं, तो ये इस तरह रीड करते हैं सर। वेरी गुड। अच्छा SEO आई थिंक फरमान भाई आपने किया था। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा फरमान भाई SEO के हिसाब से एक क्वेश्चन है आपसे पूछना, कि जब आप पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं या फिर कोई भी एक फंडामेंटल मैट्रिक को टारगेट कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में पहले क्या बात आती है कि आपने किस चीज को जज करते हुए फंडामेंटल को देखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, सर्च इंजन होता है, यूजर होता है, किन बिहेवियर्स को आप मेजर कर रहे होते हैं? सर सबसे पहले तो यूजर क्यूरीज होती है, कीवर्ड्स को निकालना होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कस्टमर्स क्या देख रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, किस तरह के क्यूरीज है, तो फिर कोशिश होती है कि जिस तरह उसमें बाइंग क्यूरीज भी आती है, क्वेश्चंस क्यूरीज भी आती है, तो उसकी रिलेटेड हम कंटेंट फिर वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, और इसकी जो टाइटल है ऑन पेजेस हो और इस तरह ऑफ पेजेस हो, तो उस कीवर्ड्स के मुताबिक हमने टारगेट करना पड़ता है सर। उसमें मेन चीज जो बेसिक स्टार्टिंग में है वो कीवर्ड्स है, तो सबसे पहले वो निकालना पड़ता है। दैट्स वेरी गुड टू नो। अच्छा अच्छा गाइस अभी जो हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है ना, मेरे पास उसका सॉल्यूशन भी मौजूद है, मेरे पास उसके फाइल भी मौजूद है। I'll start by providing you guys with the issue. आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, हम फिर इन चीज़ों को आगे टेटर ऑन भी करेंगे, ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ जब ताजी जब आप देख सकें तो। अच्छा आप लोग सब लोगों को पता है आप लोगों ने प्रोजेक्ट कहाँ पे सबमिट करना है, कहाँ से आपको फाइल्स मिलेंगी? सर फाइल तो सारी मिल गई है, सबमिट कहाँ करना है ये नहीं पता। चलें कोई इशू नहीं है, आप बेसिकली जहाँ से आपने फाइल्स डाउनलोड की है ना उसी पेज में नीचे आएंगे, तो वहां पे एक लिंक है आर्टिकल को सबमिट करने की, उसे आप क्लिक करेंगे और वहां पे आप आर्टिकल भी सबमिट कर सकते हैं। हेलो अदील भाई आवाज आई है आपको? जी 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 सर आ गई है। क्वेश्चन सेट में आ गया आपको? जी सर। चल परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा अब इस चीज को ना मैं एक मिनट में मैं एक चीज बना रहा हूँ आपसे वो शेयर कर दूंगा, मैं मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है भाई? जी सर दिखाई दे रही है। जी सर परफेक्ट। अच्छा गाइस आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा कि आपने ना प्रोजेक्ट के लिहाज से अभी कंपनी चूज करनी, यहाँ तो आप लोग वो कंपनी चूज कर सकते हैं जिसका आपको वो डैशबोर्ड मिला हुआ है, यहाँ पे आप लोग अपनी कंपनी को लेके आ सकते हो। मैं इधर जो चूज किया गया वो कॉफी कंपनी हाउस चूज किया गया, उसके अंदर क्या है कि अभी कॉफी कंपनी है, आप कॉफी देते हो लोगों को, ठीक है? अब इसके लिए ऐसे कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, आपकी कंपनी कब बनी है, उसमें क्या क्या काम हुए हैं, ये सब चीजें आपने बता दी हैं, अब उसके लिहाज से इन चीजों को आइडिया देना कि ये क्या चीजें हैं और आप इन्हें कैसे डील कर सकते हो, ठीक है?
एक सेकंड में कॉपी कर लूं। ये चैट में मैंने एक लिस्ट भेजी है, काइंडली आप सब लोगों से वहां से उससे तो देख लें। मार्केटिंग ओवरव्यू के लिए ऐसे अब आपने अपनी अपनी कंपनी का सोचना है और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है मेरे साथ मिलकर, ठीक है। पहले आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है? चलें पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद नासिर भाई या साद भाई। साद भाई से ज्यादा बात नहीं हुई आज। साद भाई कैसे हाल चाल है, आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही है बिल्कुल। गुड हो गया, आज मैं थोड़ा लेट आया हूं इसलिए। हां जी हां जी, मैंने नोटिस किया आप पूरा एक घंटा लेट थे। हां मेरे दिमाग में 7 से 9 तक। चलें कोई इशू नहीं है, हम कोशिश करेंगे ये जो लास्ट 30 मिनट्स हैं इन्हें कैपिटलाइज करें। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होती है बता सकते हैं? आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो आप जो प्रोफाइल बनाते हैं वो ऐसा हो के थोड़ा आई कैचिंग होनी चाहिए। जो कस्टमर्स आने आते हैं आपके, जो कस्टमर देखते हैं तो उसको अट्रैक्ट करें। अच्छा आदिल भाई जी, आप अभी आप बताएंगे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है? सर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो है सर जी के एक मिनट सर, जरा मेरे पास शोर होगा, एक मिनट जरा मैं म्यूट करता हूं, एक मिनट बात लगा। श्योर नो वाइज, जब तक आप वापस आते हैं मैं एक बार से गो थ्रू कर देता हूँ। यार आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आपका टारगेट पर्सोना या आपका यूजर पर्सोना होता है कि कौन सा आपका आइडियल कस्टमर है और उस कस्टमर एक वो कैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। उस आइडियल कस्टमर को दिमाग में रखते हुए जो आप टारगेट पर्सोना क्रिएट करते हैं ना, वो आपकी कस्टमर प्रोफाइल होगी। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर। गुड, यस सर क्लियर। ओके बशाद भाई, कंपेटिटर प्रोफाइल क्या होगी इस हिसाब से? कंप्यूटर प्रोफाइल वो होगी सर जो हमारे कंपटीशन में जो कंपनीज है उनके जो बायर्स हैं वो उनसे जो खरीद रहे हैं, तो उनके उन बायर्स का जो प्रोफाइल होता है वो कंप्यूटर प्रोफाइल होगा सर। बिल्कुल, मुझे थोड़ी सी आपकी बात कटी थी बट मुझे ज़्यादा से मैं आप कहें कि जो आपकी कंपटीशन है, आपके कंपटीशन में जो लोग हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो आपकी कंपटीशन प्रोफाइल होगी, यही कहा था आपने सर? जी जी सर। चलें गुड, बिल्कुल। तो बेसिकली एक आपने देख लिया कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, एक आपने देख लिया आपका दुश्मन या आपका कंपटीटर कौन है। अब इन दोनों के हिसाब से आपने फिर आगे अपनी गेम प्लान या मार्केटिंग प्लान क्रिएट करना होता है, ठीक हो गया। अब इसके हिसाब से आपके स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो आपके एसोसिएटेड KPI। अच्छा चलें, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ना अपने दिमाग में कंपनी के बारे में सोचें। वो कंपनी आपकी खुद की हो सकती है, आपके दोस्त की हो सकती है। जी जी मिस मदिया सर, इसको SWOT एनालिसिस किस तरह लेना है? SWOT एनालिसिस जी बिल्कुल, बट ये बेसिकली ना जो आपकी प्रेजेंटेशन है या जो आपने अभी फाइनल प्रोजेक्ट करना है उसके तमाम मरहल हैं, उसमें SWOT एनालिसिस भी होगा, उसमें आपका एम्पैथी मैप भी होगा, उसमें आपका कंपैटिटिव एनालिसिस भी होगा, ये तमाम चीजों को हम गो थ्रू करेंगे। ओके सर थैंक यू। ये वेलकम मिस दिया। अच्छा गाइस, आप सब लोगों ने अपने दिमाग में कंपनी के बारे में सोच ली है, अब उसके लिए ऐसे एक आइडियल कस्टमर सोचें आप सब लोग। चलें एक बंदे से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इन द चैट। आदिल भाई कंपनी बताएं, आपने कौन सी कंपनी सोची है? सर जी सिटी मार्केटिंग सर, सिटी रियल एस्टेट मार्केटिंग। चलें आपने रियल एस्टेट मार्केटिंग की कंपनी सोची है, गुड हो गया। आकिब सर बाटा शूज ब्रांड, गुड हो गया। बशाद भाई सर मैंने भी एक रियल एस्टेट इमलाक मार्केटिंग जो कि एक रियल कंपनी भी हो गया। आगे चलते हैं फरमान भाई। जी सर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बिज आप प्रो के नाम। सही है फरहान भाई। पार्क प्लास्टिक। हाँ ये क्या चीज कह रही है? फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक यूटेंसिल है उसको जो है ना मार्केट में जो है ना बेचना है। गुड हो गया। पार्क प्लास्टिक
सर फ्रेंड्स के मीटअप के लिए छोटा सा कैफे। ठीक है कैफे, गुड आंसर। आगे नासिर भाई। कायरो अलाइनमेंट तो एक्सप्लेन करेंगे, सॉरी वो जो अलाइनमेंट करती है ना स्पाइन के, ये जो यूट्यूबर्स। अच्छा राइट राइट, समझ गया, ओके गुड आंसर। अच्छा तो अब हम सब लोगों ने एक कंपनी, आप सब लोगों ने अभी अपनी कमियां बना ली हैं, अब उस कंपनी के हिसाब से आप लोग ना मुझे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बताएं कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है। अदील भाई आपका आइडियल कस्टमर कौन है? सर मेरा आइडियल कस्टमर जो है उसकी एज जो है वो 25 से 70 साल के दरमियान है और वो अपर मिडिल क्लास है, उसके पास पैसे हैं, वो माँ बाप हैं, फादर मदर हैं और उनके एजुकेशन बैकग्राउंड ऑल टाइप है, हर तरह के एजुकेशन बैकग्राउंड वो रखते हैं सर। गुड। और जी सर, ये 25 क्यों चूज किया आपने, इससे थोड़ा ज्यादा एज पे क्यों नहीं ले गए? क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट बेच रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि वो 25 साल का बंदा नहीं लेगा या 50 साल 65 साल का बंदा नहीं लेगा, व्हाई दिस एज? सर क्योंकि जो मैंने अपने एरिया में देखा है वो ये देखा है कि जो रियल मेरे सामने एग्जांपल्स थी तो थोड़ी होती है, 25 से 30 साल रेशो कम होती है, लेकिन 25 साल जो होती है इससे लेना शुरू करते हैं, क्योंकि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल के 16 साल के बाद वो छोड़ देते हैं, उसके बाद अगर वो 8-10 साल काम करते हैं तो 25 साल की उम्र तक वो खरीदने की पोजीशन में आ जाते हैं, थोड़ी होती है ये ब्रैकेट लेकिन होती है। आगे चलते हैं जल्दी से, आके भाई आपका आइडियल कस्टमर कौन होगा? सर 16 to 50 और 60 ईयर जितने भी हो सकते हैं, मेल फीमेल जिनके पास इतनी कैपेसिटी भी हो परचेस कर सकें, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हर किसी को जाहिर सी बात यूज करनी है, शूज हर किसी ने लेने। शाबाश, आगे चलते हैं फरमान भाई, आपका आईटी कस्टमर कौन होगा? जी सर, जो लोग भी नया बिजनेसमैन है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और वेबसाइट बनाने के लिए या उनको सोशल मीडिया सर्विसेज इस तरह की चीजें रिक्वायर्ड हो, तो ये जो आपने कहा था जो नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं वहां पे आपने बड़ा चांस दे दिया था। अच्छा आगे चलते हैं, बशाद भाई आप हो गए। सर मेरा आइडियल कस्टमर 35 to 50 years who have some extra income to invest in real estate. अच्छा। और मिस मदीहा आप बताएं। सर मेरे जो टारगेट कस्टमर्स होंगे वो सारे एडल्ट्स होंगे, उसमें कोई किड नहीं होगा, मतलब फैमिलीज वहां पर नहीं आते, ओनली फ्रेंड्स। सही हो गया। और एज क्या होगी उनकी, हो उनकी एजुकेशन क्या होगी? सर एडल्ट्स होने चाहिए, 15 से जितने भी अपवर्ड हो, ठीक हो गया। ओल्ड एज भी हो सकते हैं लेकिन वो एडल्ट होने चाहिए। सही है। एजुकेशन? सर एजुकेशन तो ए लेवल से लेकर जितनी भी हो बीच में। ओके इंटरेस्टिंग, साथ भाई आप बताएं। एज जो होगा 25 और 7 जो होगा, और ज्यादातर वो होंगे जो बिजनेस रिलेटेड होंगे, जो अपने बिजनेस जो एडवर्टाइजिंग है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से के अलावा डिजिटल मार्केटिंग पे लेना चाहते हैं डिजिटली जो मार्केटिंग करते हैं ना, जिस तरह सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उस पर जो मार्केटिंग करते हो उसके थ्रू मार्केटिंग जो कर। ये मेरा था, नहीं वो आपने नहीं पूछा था, कोई बात नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। चलें गुड हो गया, सॉरी मैं आपसे पूछना भूल गया था। चलें गुड हो गया। नासिर भाई आप बताएं। सर एज तो 28 to 30 होना चाहिए, मतलब और एजुकेशन कोई भी होना चाहिए, कोई मसला नहीं उसमें, क्योंकि इसी उम्र में ज्यादातर ये मसले होते हैं मेरे ख्याल में, मैंने जितने भी देखे तो 20 to 30 वाले एज में यही मसले आते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को प्रेफर करूंगा। चलें दैट्स वेरी गुड टू नो। अच्छा अब एक आइडियल कस्टमर को जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सवाल को आंसर करें। आप सब लोगों ने एक आइडियल कस्टमर बता दिया, नासिर भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, आप ही बताएं कि एक आइडियल कस्टमर को जानना और उसे पहचानना क्यों इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप एक अपने कस्टमर को जान लेना कि
आइडियल तो वैसे भी हम कह ही सकते हैं कि यही वो बंदा है जिसको मैं अपनी ये चीज या ये सर्विस या ये प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता हूँ। अगर अगर हमें पता नहीं है कि हमारे आइडियल वन कस्टमर कौन है, तो मेरे ख्याल में तो ये तो अच्छी वाली बात नहीं है सर। जी गुड हो गया, चलें वेरी गुड आंसर। चलें अब कंपेटिटिव प्रोफाइल की बात करते हैं। सब लोगों से मैं एक एक नाम पूछूंगा, आप लोग अपने कंपेटिटर का नाम बताएं और बताएं वो गर्ल्स क्या कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद अदील भाई। जी सर, ये गाजी रियल एस्टेट मार्केटिंग है सर, और गलत ये कर रहा है सर कि वो सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहा, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को यूज नहीं कर रहा। जी सर, ग्रेट पॉइंट ब्रदर। आगे चलते हैं, नासिर भाई आप बताएं। सर सवाल को रिपीट करें सर। आपका कंपेटिटर कौन है, वो गलती क्या कर रहा है वो मार्केट के अंदर? सर ये तो मैं सोचा भी नहीं, लेकिन मैं जरूर। चलिए कोई बात नहीं, वापस आता हूँ मैं आपके पास। आके भाई आप बताएं। ओके सर। सर कंपेटिटर और भी बहुत हो सकते हैं, मुझे नाम सिर्फ अभी है कि याद है, स्टाइलो वालो, स्टाइलो वाले। ठीक है वो बताएं गलती क्या कर रहा है स्टाइलो। स्टाइलो सर मैंने अभी तक तो कोई ऑब्जर्व नहीं किया, दोनों साथ ही जा रहे हैं, मार्केटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब नहीं फर्क है आप एक अच्छा, आप सब लोगों को मैं टर्म बताऊंगा नेटनोग्राफी की, आप सब लोग ना इस चीज को जरा समझ के आइएगा, नेटनोग्राफी क्या होती है, एथनोग्राफी क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो चीज है ना आपको अपने कंपेटिटर एनालिसिस में बहुत काम आएगी। अब इसको मैं समझा भी देता हूँ क्या चीज होती है। बेसिकली एथनोग्राफी होता है कि आप रियल टाइम में जाएं अपने कंपेटिटर की शॉप पे, उसके कारोबार में जाके देखें वो काम कैसे कर रहे हैं, और देखें कि उसके पास जो कस्टमर आ रहे हैं क्यों उसके छोड़ के जा रहे हैं, क्या मसला है, क्या वजह है, क्या गलती वो कर रहा है, और फिर उस चीज पे खेलते हुए अपने ब्रांड को उस चीज में बेहतर कर लें आप। तो इसे कहते हैं एथनोग्राफी। नेटनोग्राफी होता है सेम यही महीने को गुजारना बट ऑनलाइन, इंस्टेड कि आप उसकी दुकान पे जाएं, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके अमेजोन स्टोर पे जाएं, उसके दराज के स्टोर पे जाएं, जाके देखें लोग क्या उसकी शिकायत लगा रहे हैं, क्या मसला आ रहा है, लोग क्यों उसे कंप्लेन कर रहे हैं, और उन कंप्लेंट्स को कैटर करें, उन लोगों को कैटर करें, वहां पे आप गेम जीतेंगे। नेटनोग्राफी एथनोग्राफी की समझ में आ गई सब लोगों को? जी सर क्लियर। एवरीवन ये सर समझ आ गई सर। बेहतरीन हो गया, परफेक्ट। अच्छा चलें आगे चलते हैं। फरमान भाई आप बताएं आपके कंपेटिटर कौन है? जी सर यहाँ पर हम आपने जो भी मार्केटिंग कंपनी ना सोशल मीडिया या हाँ जी बाबा आपकी आवाज आई, बताएं। जी सर तो आप हमारे इलाके में सर कुछ कंपनीज है मार्केटिंग के, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसके अपना कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस इतना नहीं है जिस तरह होना चाहिए। मेरे तो कंपटीशन कोई है उसको इंशाल्लाह टारगेट करूंगा। सही हो गया। आगे साथ भी आप बताएं। कंपटीटर जो यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं उसको कंपटीटर उसको टारगेट करूंगा। वो गलती क्या कर रहे हैं? वो गलती ये कर रहे हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उसके जो नीड्स है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। चलें दैट्स गुड टू नो। फरहान भाई आप बताएं। सर जो मेरी कंपनी है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कंपनी है, लेट से पिशावर में। जो कंपटीटर्स है वो पेंटेरा एनर्जी है, उसके अलावा स्काई इलेक्ट्रिक है या एफबी एनर्जी है। इशू ये है कि जो उनके प्राइसेस है वो जो कस्टमर को प्राइस ऑफर करे वो काफी हाई है। सेकंड ये है कि वो जो मटेरियल यूज करते हैं सोलर पैनल इन्वर्टर वगैरह वो तो ठीक यूज कर रहे हैं, लेकिन जो वायर्स वगैरह यूज कर रही है प्रोटेक्शन डिवाइसेस वो अक्सर औकात जो है ना वो सेकंड या थर्ड क्लास जो है ना वो यूज करते हैं, वहां पे पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। जी और नेक्स्ट जो इशू ये है कि लेट्स से अगर आपने सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो जो आपको डेडलाइन देते हैं अक्सर औकात जो है ना उसको फॉलो अप नहीं डिले करते हैं, डिले करते हैं। और नेक्स्ट ये भी इशू है कि लेट्स से अगर सिस्टम लग जाता है तो उसमें आफ्टर जो सर्विसेज देनी होती है उसमें 2 इयर्स तक
तो उसमें ये अक्सर का जो है ना टाइम पे नहीं आते, आप बार बार कंप्लेन करते, तो उसके बाद जाके कई 3-4-5 या 7 दिन के बाद जो ना कि वो आपके इश्यू सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी गुड एंड डिटेल्ड आंसर, गुड जॉब फहान। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड मिस मदीहा आप बताएं। सर वैसे तो पेशावर में बहुत सारे कैफे हैं, सारे कॉम्पिटिटर में काउंट होते हैं, लेकिन एक दो ऐसे हैं कि जिनको मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए थ्रेट साबित हो सकती है और उनसे मैं अपॉर्चुनिटी भी ले सकती हूँ। तो एक जॉन्स डेली हो गया और एक हयातबाद में कैफे है कैफे ऑटोमो, तो मैं उसको एज अ कॉम्पिटिटर काउंट करूंगी। क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या गलतियां करते हैं? सर स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अभी उनकी वो सर्विसेज जो है वो उस तरह से नहीं रही, एक फूड क्वालिटी उन्होंने खराब कर लिए, दूसरी जो कस्टमर सर्विस है वो खराब हो गई उनकी। गुड आंसर। नासिर भाई डू यू हैव एन आंसर नाउ? सर मैंने तो इस बिजनेस मॉडल को सही तरीके से वो जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मैंने तो वैसे ही कहा था, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा कि आंसर दे दूं सर। जी बताएं। एक तो ये कि सर मेरे कंप्यूटर की जो बुकिंग से प्रोसीजर है वो सही तरीके से नहीं है। अच्छा। मतलब कैसे किस लिहाज से भी, और दूसरा कि वो उसका जो क्लिनिक है कह सकते हैं वो आर्किटेक्चरली अच्छी लुक नहीं दे पा रही ना, या सही सही कोई और भी ले सकते हैं सर। चलें गुड हो गया। अच्छा गाइस अभी तक हमने ना 3 चीजों को डिस्कस किया है, आपकी कंपनी क्या है, आपका आइडियल कस्टमर कौन है, आपका कंपटीटर प्रोफाइल कौन सी है। अब जरा बात करते हैं स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की, आपकी एसोसिएटेड केपीआई की। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई हैं, अब इन्हें एक बार रिपीट हम जल्दी से करेंगे। अदील भाई आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा और आपका उसके लिए केपीआई क्या होगा? सर मेरा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है सर जी वो 4 सेल्स पर मंथ है, हर महीने मैंने 4 सेल्स करनी है रियल एस्टेट की। उसके लिए सर मेरा केपीआई जो है वो है मंथली 300 कॉल्स करनी है कस्टमर्स को, उसमें पर डे सर कम से कम पर डे 10 कॉल्स करनी है और 3 मीटिंग्स करनी है सर पर डे, और 90 टू 100 मीटिंग्स करनी है। आके भाई आप बताएं। सर 400 से 500 पीसेज अगर विद इन 2 वीक्स अगर सेल करने हैं तो इसके लिए पर डे आपको 30 टू 40 पीसेज पर डे सेल करनी होगी। और इस बात को क्लियर करते हैं आपका केपीआई क्या होगा? केपीआई सर इसका बाटा ब्रांड का मैं बता रहा हूँ, शूज आपने जो सेल करने हैं सेल का होगा। ठीक हो गया जी, ये मैंने क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाकी दोस्तों को समझ में आ जाए केपीआई आपका सेल है। अब उसके लिए ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि सर एक मंथ की अगर बात की जाए तो एक मंथ में तकरीबन 1500 से 2000 यूनिट बेचने चाहिए, तो दिन में तकरीबन 50 यूनिट बेचने चाहिए तब जाके हमारे आगे चलते हैं। नहीं गुड आंसर आकिब, गुड आंसर। फहान भाई आप बताएं। सर मेरा केपीआई जो है ना वो 4 मिलियन तक जो है ना अगर सेल हो जाए, यानी कि 4 अगर सिस्टम जो है ना 10 किलोवाट के वो लग जाए एक मंथ में, यहां तक जो ना पॉसिबल है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव ये है कि एक जो टेली सेल जो डिपार्टमेंट है उनको जो ना मोटिवेट करना है कि वो जो ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना कस्टमर्स को जो ना लीड्स में कन्वर्ट करें, और उसके लिए बेशक वो मीटिंग्स करते कॉल करते या फिर जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनसे कुछ डेटा ले कि किन का बिल ज्यादा आ रहा है, ताकि उनको ज्यादा हम टारगेट करें, ताकि उनको हम सोल्यूशन दे कि आप लोगों का बिल ज्यादा आ रहा है तो आप लोगों के पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी है, तो या डिफरेंट जो प्लाजे वगैरह बने हुए हैं या स्कूल्स वगैरह तो उनको हम डायरेक्ट टारगेट करके आप लोगों का बिल ज्यादा आ रहा है, तो काइंडली जो आप एक वर्ड में पूछूं आपका केपीआई जो है, फ्यू वर्ड्स में अगर एक केपीआई पूछूं केपीआई क्या आपका? वो है 4 मिलियन की जो ना सेल हो जाए, यानी 40 किलोवाट अगर सिस्टम लेट्स इंस्टॉल हो जाए पर मंथ। गुड हो गया। समान अल्लाह आप बताएं। जी सर मेरा स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव यही है सर कि मैं जिन लोगों का वेबसाइट नहीं है उनके वेबसाइट की सर्विसेज फ्री होस्टिंग 1 ईयर के लिए, और केपीआई यही है कम से कम 15 to 20 कस्टमर्स आ जाए सर्विसेज लेने के लिए, मेरे साथ लिंक हो तो मैं सोशल मीडिया सर्विसेज दे दूं। जी सर ठीक है, पर मंथ 20 कस्टमर आपका केपीआई अभी कह रहे हो?
जी सर बिल्कुल 15 to 20 तक सर। अच्छा ओके मूविंग फॉरवर्ड साद भाई मुनासिब भाई आप रहेंगे आई थिंक 10 to 15 कस्टमर्स पर मंथ। ओके एंड फॉर ऑलराइट एंड नासिब भाई यू सर वैसे तो पाकिस्तान में ये या सऊदीया में ये बिजनेस तो है नहीं लेकिन अगर फिर भी कहो तो 100 के पर मंथ जो है वो सेल होना चाहिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और इसके लिए जो केपीआई होगी कि मैं तकरीबन 30 बंदों को ना क्लाइंट को ले सकूँ ना उसके लिए मुझे कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड कॉलिंग वगैरह ये गुड हो गया गुड हो गया। चलें यहाँ तक हम सब लोगों को समझ में आ गई। कंपेटिटर एनालिसिस की हम जब बात कर लें कंपेटिटर एनालिसिस में हम अपने कंपेटिटर को देखते हैं उसकी वेबसाइट को उसकी वेब स्टोर्स को हर चीज़ को देखते हैं हम फिर एनालाइज करते हैं कि हमारा कंपेटिटर क्या काम कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है किसके लिए कर रहा है क्या अच्छी चीज़ें कर रहा है क्या बुरी चीज़ें कर रहा है इन सब चीज़ों को मापना नापना कंपेटिटर एनालिसिस कहलाता है। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर बिल्कुल सर। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो सर। गुड हो गया अगले पॉइंट को चलते हैं स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी वीकनेस क्या है आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आपके पास थ्रेट्स क्या हैं ये आपका स्वॉट एनालिसिस में आएगा। इस इन सब चीजों को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे बट इन्हें एक बार ओवरव्यू कर लेंगे क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल टाइम है लेक्चर का वो कम्प्लीट होने वाला है। उसके अलावा इंटरव्यू आप अपना इंटरव्यू अपने कस्टमर का अपने कंपटीशन का इंटरव्यू एक लिहाज से समझते हैं सोचते हैं कि वो क्या चीज़ें फील कर रहे हैं उन्हें कैसे आप समझ सकते हैं फिर आप उन चीज़ों को देखते हुए एक एम्पथी मैप क्रिएट करते हैं। एम्पथी मैप की हमने ऑलरेडी डिस्कशन पहले कर लिया कि एम्पथी मैप क्या होता है किस लिए होता है उसका क्या फ़ायदा होता है। एम्पथी मैप के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर क्लियर है परफेक्ट। आगे चलते हैं फिर हमने कस्टमर पर्सोना भी क्रिएट करना सीखा था कि आइडियल कस्टमर पर्सोना या टारगेट कस्टमर पर्सोना कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे देखते हैं। अब आगे हमने कस्टमर जर्नी मैप को समझना फिर एक स्नैपचैट समरी बनानी मार्केटिंग प्लान की वैल्यू प्रोपोजिशन हम लोगों ने पढ़ी थी उसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है? वो भी क्लियर है सर। गुड हो गया। अब हमारे जो पीछे टॉपिक्स रह गए हैं वो ये हैं कंपेटिटर एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस इंटरव्यू उसके अलावा कस्टमर जर्नी मैप स्नैपशॉट समरी ऑफ मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमारे पास टाइम आज के लेक्चर में तकरीबन खत्म हो चुका है पीछे 2 मिनट रह गए हैं। इन 2 मिनटों के अंदर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली प्लीज फील फ्री कि आप में से वो क्वेश्चन पूछ सकें ऑल टाइम है बस कि मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर दे सकूँगा। सर प्रोजेक्ट जो है वो हम उस पे पावर पॉइंट पे बनाएंगे? जी बिल्कुल आप पावर पॉइंट पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। सर ये कस्टमर सर ये कस्टमर पर्सोना और आइडियल कस्टमर में क्या यार सॉरी कौन बात कर रहे हैं अदील भाई बात कर रहे हैं? जी जी सर मैं बात कर रहा हूं। अच्छा अस्सलाम अदील भाई। अदील भाई आपका जो आइडियल कस्टमर पर्सोना बेसिकली तमाम लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आइडियल कस्टमर वो एक सिंगल एंटिटी है जो आप दिमाग में अज्यूम करते हैं कि ये जो बंदा है ना बेहतरीन है इस चीज के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोर्स पढ़ाता हूँ मेरा कोर्स जो है वो बच्चे भी ले सकते हैं मेरा कोर्स प्रोफेशनल भी ले सकते हैं जिन्होंने अपनी स्किल एनहेंस करी है मेरा कोर्स वो बच्चे भी ले सकते हैं जिन्होंने पहली दफा सीखना है मेरा कोर्स वो लोग भी ले सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं बट वो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। ये तीनों को जब मैं देखता हूँ तो ये मेरे क्या है कस्टमर पर्सोनास है ठीक है। अब आइडियल कस्टमर कौन है? आइडियल कस्टमर वो सिंगल एंटिटी है जो जिसके लिए ये बेहतरीन रहेगा। मिसाल के तौर पे मेरे लिहाज से ये आइडियल कस्टमर इसका वो बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो फ्रीलांसिंग के जरिए पैसे कमा सकें। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आकिब जो है ना वो आइडियल कस्टमर है मेरा। उसकी उम्र 18 से 25 साल के दौरान है वो बैचलर्स उसने किया हुआ है वो अभी बहुत मोटिवेटेड है जवान है मेहनत कर सकता है। अब ये सही बातें जब मैं सोचता हूँ ना एक पर्टिकुलर आदमी के लिहाज से
एक पर्टिकुलर एंटिटी के हिसाब से, तो वो मेरा आइडियल कस्टमर होगा। क्या इस बात से आपको समझ में भाई? क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। चलें, दैट्स वेरी गुड टू नो। किसी को कोई और क्वेश्चन? सर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दे तो बेहतर रहे। जी, मैं करवा देता हूँ मैं इंट्रोडक्शन। आप लास्ट लेक्चर में मैंने एक्चुअली करवाया भी था, बट मैं दोबारा करवा देता हूँ इस। बट इंट्रोडक्शन से पहले मैं चाहता हूँ कि किसी के कोई और क्वेश्चन है तो मैं उन्हें पहले कैटर कर लूँ मैं भाई, उसके बाद इंशाल्लाह तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। सर ग्रुप की बात की थी कि हम इधर से अगर आपस में स्टूडेंट्स के एक ग्रुप बना ले, उसमें अगर कोई किसी किस्म का कोई मसला है किसी को तो एक व्हाट्सएप और दूसरा स्लैक पर। जी, डेफिनेटली बनाए। मैंने पहले भी कहा था कि ग्रुप बना लें, कम्युनिकेशन जितना आप लोगों के लिए फायदेमंद है कोई भी चीज नहीं हो सकती, तो कम्युनिकेट करें, आपस में करें, मेरे साथ करें और एक दूसरे साथ डिस्कस करें इन चीजों को। जितना इसके बाद टाइम लगाएंगे आपस में डिस्कस करने में या इन सब चीजों के साथ, उतना आप लोगों को फायदा होगा। तो सर ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, अगर इधर अपना मैसेज छोड़ दे मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, सब को ऐड कर दूंगा। मैं मशवरा दूंगा कि अगर व्हाट्सएप की बजाय ना आप स्लैक पे ग्रुप बना लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो ना बने उसके बाद फिर आप चाहे ट्राई कर लीजिएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्लैक बना लो, उसपे सब लोग कम्फर्टेबल होंगे। बट आपकी आखिरी डिसीजन आप लोगों के आपस में। मुझे कैसे पता चलेगा कि अदील भाई का नाम कौन सा स्लैक पर शो हो रहा है? अदील भाई का नाम अदील ही शो होगा सर, मेरे साथ होंगे ये। हाँ जी, हाँ जी, स्लैक पर शो होंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो ये रिक्वेस्ट है अदील भाई से, ये ज्यादा समझते होंगे ये ग्रुप क्रिएट करने में। चलें, अच्छा गाइस दीज आर द टॉपिक्स। अदील जी सर, आप ना ये काइंड टॉपिक्स लिख लें हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में याद को आएगा, हम इन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। और मैंने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट लेक्चर में ना आप सब लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसे क्लियर आउट करवा दूं, क्योंकि इधर प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा ना तो हम इजी हो जाएंगे सब लोग हो इन चीजों को कैटर कर सकें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। और सर अभी अभी मैं लीव कर रहा हूं सर, क्योंकि मुझे एग्जाम पे जाना है। सो यदि आपकी आवाज नहीं आई आप दोबारा बताते हैं। सर मैं अभी ये मीटिंग लीव कर रहा हूँ, एक दावत पे जा रहा हूँ। जी जी, श्योर श्योर जी सर, ओके सर, थैंक यू, ओके, टेक केयर। किसी और भाई ने जानना है तो आपका ऑफिशियल टाइम खत्म हो चुका है, यू गाइस आर फ्री टू लीव इफ यू गाइस वांट टू। अच्छा फरहान भाई। जी सर, आपसे एक बातचीत करनी थी सोलर के बारे में। मैंने ना एक कंटेनर मंगवाना सोलर इक्विपमेंट का चाइना से, तो उससे इसलिए मैं आपसे बातचीत करनी थी। आप अभी इसका काम कर रहे हैं या वैसे इसका आइडिया आपने सोचा हुआ था? सर आपकी आवाज कट रही है सर, दोबारा बताएं सर। कोई बात नहीं, मैं ना आपको स्लैक के पर आपसे कम्युनिकेट कर लेता हूँ। जी जी, मैं ना आपको भी स्लैक के पर मैसेज करता हूँ, फिर वहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। सर मैं थोड़ा बहुत कर भी रहा हूँ। जी जी चले। अच्छा मैं ना अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उन दोस्तों के लिए जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे। चले गुड हो गया, बिस्मिल्लाह। अच्छा तो मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मेरा जो कैरियर है पिछले मैं कोई 10 सालों से इसी फील्ड में हूँ। स्टार्ट मैंने आईटी एनालिस्ट के तौर पे किया था एक कंपनी के अंदर, और तब मेरी तनख्वाह थी 7,500 रुपये आज 10 साल पहले। और उसके बाद फिर ग्रो हुआ, उन्होंने फिर मुझे पढ़ने के लिए लम्स भेजा कि वहाँ से आप SEO पढ़ो, फिर वहाँ से पढ़ा, फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का शौक हुआ, फिर मैंने कंपनीज चेंज की, ऐसा ऐसा ग्रो करते हुए करते हुए माशाल्लाह मेरी खुद की 3-4 कंपनीज हैं। और इतफाक से अगली सिलेक्ट हुई है तो अभी ये 3-4 कंपनीज में चला रहा हूँ। इसके अलावा ये वो इंडस्ट्रीज जिनके अंदर मैंने काम किया जिसमें कपड़े, टूरिज्म, ई कॉमर्स, स्किन केयर एंड डिफरेंट चीज़ें हैं। ये कुछ स्किल सेट्स हैं जो मेरे पास अभी मौजूद हैं, जिनमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SEO, SEM, ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मैनेजमेंट और ब्रांड क्रिएटिव वगैरह मौजूद हैं। ये वो कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, जैसा PC होटल हो गया, खालिस नेल्सन वगैरह। और ये मेरे रबते की डिटेल्स हैं, अगर आप में से किसी ने मेरे से रबता करना हो तो। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल मोहसिन जावेद 501 के नाम से, आप वहाँ पे जाके सारी जो मेरा पास्ट है, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं या जो मैंने जॉब्स किए हैं वहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई और क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें।
सर मेरी अटेंडेंस हो गई। हेलो गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन। सर मेरी अटेंडेंस हो गई या नहीं? जी हो गई आपकी अटेंडेंस। ठीक है ओके गाइस, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन तो काइंडली मिस स्लैक पे मैसेज कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।